बिजनेस वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्वेता टेक टिप्स चैनल को और घंटी वाले बटन को दबाइए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, अगर आप लिखने के शौकीन हैं, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं या फिर आप वीडियो बनाते हैं या बना सकते हैं और घर बैठे ही इंटरनेट के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ जिस पर आप अपनी वीडियो या आर्टिकल पोस्ट करके पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है वी मीडिया। वी मीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप अपनी वीडियो या आर्टिकल किसी भी लैंग्वेज में पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो या मलयालम। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो या आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसको अप्रूव होने में और कई बार कई साल लग जाते हैं अर्निंग स्टार्ट होने में। तो इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पहले दिन से ही कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बी मीडिया के साथ ऑलरेडी 23,000 लोग जुड़े हुए हैं और वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं शुरू करते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको वी मीडिया वेबसाइट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि इस पर आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, इस पर आर्ट के लिए वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हैं, इस पर रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो में आपको टिप भी देने वाली हूँ कि इस वेबसाइट से जुड़कर आप ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वी मीडिया सपोर्ट करता है रोजबज एप्लीकेशन, MI ब्राउजर और पप्पो ब्राउजर को। इन ब्राउजर्स का एक बहुत बड़ा व्यूवर्स ग्रुप है जहां पर आपके ब्लॉग्स पढ़े जाएंगे। यहां पर एड्स और व्यूज के आधार पर आपको रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, तभी तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। दोस्तों, वी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्टिकल या वीडियो पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वी मीडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वी मीडिया का वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह को देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP आने के बाद आपको OTP यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करने को पूछा जाएगा कि आपने वी मीडिया के बारे में कैसे जाना। यहाँ पर मैंने YouTube सेलेक्ट किया है क्योंकि मैंने YouTube के थ्रू ही इसके बारे में जाना है। उसके बाद साइनअप पर क्लिक कर देना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स फिलअप करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर वी मीडिया नेम फिलअप करनी है। यहाँ पर मैंने श्वेता बिजनेस ब्लॉग डाल दिया है क्योंकि मुझे इसी नाम से चैनल क्रिएट करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना है कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड या किस टाइप का वीडियो या आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल के लिए अवतार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड आर्टिकल या वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। काफ़ी सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं बिजनेस आइडिया से रिलेटेड ही वीडियो या आर्टिकल पोस्ट करने वाली हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप आर्टिकल पोस्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम डालनी है आपको, उसके बाद ईमेल आईडी, लोकेशन, सिटी और भी जो डिटेल्स हैं वो सारी फिलअप करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल स्टेटस अभी पेंडिंग है, तो आपको विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी। उस कंफर्मेशन मेल पर क्लिक करके आप फर्दर इस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, वी मीडिया की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपने अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, आप किस स्टेज पर हैं, आपका ग्रेड क्या है और आपके कितने फॉलोअर्स हैं। उसके नीचे यहाँ पर टाइम टू टाइम कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, तो इसमें भी अच्छा मौका आपके पास होता है पार्टिसिपेट करने का और इसमें पार्टिसिपेट करके आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप आर्टिकल या वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल या वीडियो पोस्ट करने के लिए आपको पब्लिश मेन्यू पर क्लिक करना है। पब्लिश मेन्यू के अंदर दो ऑप्शन है, आर्टिकल और वीडियो। आर्टिकल पोस्ट करने के लिए आर्टिकल पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आर्टिकल का टाइटल डालना है, उसके नीचे उसकी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 इमेजेस भी डाल सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है शेड्यूल। अगर आप शेड्यूल वाइज पब्लिश करना चाहते हैं तो आप यहां से शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी कंटेंट ओरिजिनल है तो ओरिजिनल क्लेम का ऑप्शन ऑन करना होगा। उसके बाद एक्टिविटी सिलेक्ट करके आप इस आर्टिकल को आप डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हैं या एज ए ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी अपने आर्टिकल को एज ए ड्राफ्ट सेव कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो कैसे पोस्ट करना है। वीडियो पोस्ट करने के लिए आपको पब्लिश मेन्यू के अंदर वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है। वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वीडियो क्लिक करके अपलोड करनी है, उसके बाद उसकी टाइटल डालनी है, उसके बाद उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस भी कैटेगरी का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं या एज ए ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। पब्लिश के बाद आपको पोस्ट मेन्यू देखने को मिल जाता है। पोस्ट मेन्यू के अंदर आपने जितने भी आर्टिकल या वीडियो पोस्ट किए हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर होती है। आपने कितने वीडियो पोस्ट किए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने पास्ट हैं, कितने डिनाइड हैं। उसके बाद आपको ड्राफ्ट्स मेन्यू देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट्स के अंदर अगर आपने कोई वीडियो या आर्टिकल एज ए ड्राफ्ट सेव किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ मेन्यू है। ग्रोथ मेन्यू के अंदर बताया हुआ होता है कि आप अभी किस स्टेज पर हैं। जब आप इस वेबसाइट पर एक ब्लॉग या आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो आप प्राइमरी यूजर होते हैं। उसके बाद आप जैसे ही 5 ब्लॉग या 10 वीडियोज पोस्ट करते हैं तो आप एडवांस यूजर बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेवेन्यू मेन्यू देखने को मिल जाता है। रेवेन्यू मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिखी होती है, जैसे कि आप जैसे ही एडवांस यूजर बनते हैं तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप जब प्राइमरी यूजर होते हैं यानी एक ब्लॉग या आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो आपको 50 रुपीज मिल जाते हैं। आप जैसे ही एडवांस यूजर होते हैं यानी आपने 5 आर्टिकल पोस्ट किया या 10 वीडियोज पोस्ट किया तो आप एडवांस यूजर बन जाते हैं, तो आपको उस टाइम 100 रुपीज दिए जाते हैं। तो आप जैसे ही एडवांस यूजर बनते हैं तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है कि जब आपका रेवेन्यू 1000 रुपीज हो जाएगा तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपकी जितनी भी इनकम होगी उसमें से 10% एज ए इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, और जो भी आपका रेवेन्यू होगा वो विदिन 5 to 7 days आपके पेटीएम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी बी मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा कि कितना आसान है, कितना ईजी है यहाँ पर आर्टिकल या वीडियो पोस्ट करना। तो आप काफी आसान तरीके से यहाँ पर पोस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे फिर मिलूंगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।